जैसे ही एम टी आर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का अलॉटमेंट आया, तब से दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त बढ़ गया है। दोस्तों किस किस के अलॉट हुआ है मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना है और इसका लिस्टिंग गेंस कितना होने वाला है। 16 तारीख को इसकी लिस्टिंग है। और दोस्तों जिसने एम टी आर आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस चेक नहीं किया वो अभी चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड करा दी है। लिंक खोल के आप एम टी आर टेक्नोलॉजी का आईपीओ सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एप्लीकेशन नंबर, डीपी क्लाइंट आईडी या पैन कार्ड नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों अलॉटमेंट आने से पहले एम टी आर टेक्नोलॉजी के आईपीओ का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम मतलब जीएमपी थी 500 रुपये पर शेयर पे, मतलब एक लॉट पे लगभग 13,000 रुपये का फायदा हो रहा था। 500 × 26 करते तो एक लॉट पे 13,000 रुपये का फायदा हो रहा था। और दोस्तों जैसे ही अलॉटमेंट आया उसके बाद इसकी जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम 610 रुपये हो गया, मतलब एक शेयर पे 610 रुपये का फायदा हो रहा है। इसको अगर 26 से गुणा करते हैं मतलब 26 शेयर का एक लॉट है तो लगभग 15,860 रुपये का एक लॉट पर फायदा हो रहा है आज की डेट में। और दोस्तों ये लिस्टिंग होने तक बढ़ने की उम्मीद है, और ज़्यादा बढ़ेगा। और दोस्तों जिस दिन इसकी लिस्टिंग होगी इसका अपर सर्किट लगने की उम्मीद है। और दोस्तों मुझे लगता है 2-3 दिन तक और अपर सर्किट लगेंगे, 2-3 दिन तक और चढ़ेगा ये। दोस्तों आप लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं? अगर आपको 15 या 16 हज़ार रुपये के बीच में लिस्टिंग गेंस मिलता है तो आप इसको बेच देंगे या इसको होल्ड करेंगे, या दोस्तों आप वेट करेंगे कि और 2-3 दिन अपर सर्किट लगे उसके बाद बेचेंगे? दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि अगर 15,000 रुपये लिस्टिंग गेंस मिलता है तो हमें आधे शेयर सेल कर देने चाहिए और आधे शेयर होल्ड करने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने बताया था कि इसरो, DRDO, NPCIL ये इसके क्लाइंट्स हैं। जैसे इसरो जिस दिन मिसाइल वगैरह लॉन्च करता है उस दिन भी इसकी प्राइस वगैरह बढ़ते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत शानदार है ही। और दोस्तों आपको 15,000 रुपये तक लिस्टिंग गेंस होता है तो आधे शेयर सेल कर देने चाहिए, ये मेरी राय है। तो आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की तारीख में जो इसका लिस्टिंग गेंस है 610 रुपये पर शेयर पे, मतलब एक लॉट पे लगभग 15,810 रुपये। दोस्तों अभी तक जिसके नहीं लगाया आईपीओ तो वो निराश ना हो, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का आईपीओ आ रहा है, मैं उसका रिव्यू आज शाम तक आ जाएगा उसका वीडियो वो डालूंगा, वो आप देख लें। दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ है, एमटीआर टेक्नोलॉजीज इंडिगो पेंट्स जैसा है। और दोस्तों उसमें भी लिस्टिंग गेंस 2 गुना होने की उम्मीद है, बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त आईपीओ है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का। 3 आईपीओ आ रहे हैं उसमें से अभी सबसे बेस्ट है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का आईपीओ। दोस्तों इसका वीडियो शाम तक आ जाएगा, तब तक हमारे वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबा दें ताकि आपको वीडियो आते ही फटाफट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।